आग लग रही है इसके अंदर। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, कृपया इसे दोहराने की कोशिश ना करें। तो ये बड़े दिनों से मन कर रहा था कोई अमेजिंग सी चीज बनाते हैं। चलो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया है, क्यों ना एक हॉट एयर बलून बनाया जाए, क्योंकि हमने दिवाली के टाइम बहुत सारे बनाए थे, लेकिन वैसे जब जैसे बनने चाहिए वैसे हमसे बने नहीं थे, बहुत सारे जल गए थे, फेल हो गए थे। अच्छा, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार बहुत अच्छा बनाया जाए। तो उसी टाइम पे हमारे पास कुछ चीजें पड़ी थी जो हमने देखी, हमने सोचा तो बहुत ही सही टाइम है बनाने के लिए, और हवा भी अच्छी चलते थे, ठंडी चल रही है, तो इसलिए वह होते हैं। हाथ में ये एक पॉलीथीन, ब्लैक कलर की पॉलीथीन, जबकि सबसे हल्की है ये, बहुत हल्की है ये, देखो ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगी इसको बनाने के लिए। और साथ ही मैं इस पॉलीथीन के साथ मेरे पास है जो कि फ्यूल के रूप में काम आएंगे, और वो है कैंडल्स, जो कि मोम है, इसको अपन पिघला के पेपर को गीला करके फिर जला लेंगे, वो फ्यूल बन जाएगा। और ये वायर, इससे इसको अपन दूर दूर रखेंगे, इससे इसका स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। आप फटाफट से क्या करना, वीडियो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे बने वीडियो देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे इस थैली को रखा हुआ है, और थैली के साथ में इन्हीं वायर्स का मैंने प्लस क्रिएट किया, ये प्लस है, वायर्स को दो वायर्स को तोड़ के और इस वायर को एक इसके बीच में बांध दिया मैंने, जिसके ऊपर फ्यूल लटकेगा अपने, ठीक है। बहुत ईजी है बनाना, जैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, कि इसको हम थैली को कुछ फुलाएंगे ऐसे, और इसी प्लस को इसके अंदर ऐसे चिपका देंगे, कुछ ऐसा देख लो, ऐसे लगा देंगे ऐसे, और दूसरी तरफ से ऐसे, फिर ये ऐसे, और कुछ ऐसे, ये प्लस पूरा इसके अंदर क्रिएट कर देंगे अपन ऐसे, और फिर अपन इसको आग लगा के उड़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा कि मैंने इसको कैसे बनाया, ये बहुत ईजी है, इसको कुछ बनाना ज़्यादा तोप नहीं है, इसलिए इसको क्रिएट कर लेता हूँ, फिर अपन आगे देंगे। यहाँ पर ये पूरा हमारे रेडी है, इस तरीके में बता रखा। अब हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को किसी चीज़ पर रख के उसको पिघालना है, और उसके ऊपर पेपर डाल देना है, और वो पेपर जो होंगे बिल्कुल उसके अंदर घुल जाएंगे, ठीक है। वो पेपर बचेगा, उस पेपर को अपन इसके नीचे बांध देंगे, और वो उसका फ्यूल बनेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ी शाम होने के बाद मैं इसको टेस्टिंग कर दूंगा, तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। तो अब हम जल्दी से शाम का वेट करते हैं, फिर अपन डायरेक्ट करो। 2000 years later शाम हो चुकी है, और ये रहा अपना वॉटर बलून बिल्कुल रेडी है, और इसके अंदर मैंने नीचे की तरफ एक फ्यूल लगा दिया जो कि आपको दिख रहा होगा, और बिल्कुल डायरेक्ट अपना आग लगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कर देना, ये क्या होता तो अब लगाए थे इसमें आग, और अब सो बता देते हैं फ्यूल तो जल चुका है, और गर्म 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 हो चुका है, और धीरे हल्का हल्का फील हो रहे हैं, ये तभी भी उठ सकता है, बहुत आग लग रही है इसके अंदर। क्या जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है ये, और वो आप जाके गिरने वाला है, वहाँ कहीं पर जाके गिर चुका है, वो दिख नहीं रहा है, जिस उम्मीद थी उसके अच्छा से काम किया ही। अब हम सुबह जाकर उसको वापस लेके आएंगे, देख लेंगे क्या हुआ इस तरफ, और सही से हम किसी और काम में उसको ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, गाइस वीडियो सबसे पूरी काम कर गया, लेकिन हमारे पास दूसरे कैमरा एंगल्स नहीं थे, इसलिए हमारा एक ही कैमरा से रिकॉर्डिंग किया, इसलिए हो सकता है वो इतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी हमने क्लियर दिखा आपको, वो गया है वो उतना दूर गया, लगभग 100-200 meters मान सकते हो, 100 meters मान सकते हो उतना गया होगा, लेकिन मैं अपने को जिससे काम कर रहा था ऐसा काम किया है, यानी कि ये 100% वर्किंग है, और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, इसलिए बड़ी खुशी है मुझे। इसलिए वीडियो के लिए लाइक कर दी, बटन दबा देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।